अरे राक्षसो, भाजपा जजपा के राक्षसो, राक्षसो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। इसार में भी मुझे पता आपने बताया था यही परिस्थिति है, परंतु वो सारे साथी फिर भी आए, ये उनके विश्वास को दर्शाता है। 17-18 किलोमीटर चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग बेहोश हो रहे थे, शैलजा जी, किरण जी और मैं चलकर मुख्यमंत्री के निवास तक गए। क्यों, क्या तकलीफ थी? क्योंकि हरियाणा के 11,22,000 नौजवान जो सीईटी के पेपर में सरपंच साहब बैठे थे, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे, उन बच्चों की आत्मा रो रही थी। उन बच्चों की आत्मा रोती है, वो बच्चे चिलचिलाती धूप से मेरी बहन नहीं डरते, वो बच्चे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं, उनके सताए हुए हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा जिंदगी में। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए, नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसो, भाजपा जजपा के राक्षसो, राक्षसो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, जो कहता मौका तो दो नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो।